हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया है। इस दौरान पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई मीटिंग के दौरान एनडीए घटक दल के नेता शामिल हुए। सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही एनडीए के बाकी नेताओं ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान सभी सांसद पीएम मोदी से एक एक कर मिले भी। हालांकि इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज मिलने पहुंची तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। बता दें कि बांसुरी ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को पटखनी दी थी। दरअसल बांसुरी स्वराज अपनी मां सुषमा स्वराज की तरह ही काफी तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं। जब उन्हें नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था तो ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें चुनाव के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग के दौरान पहली बार चुने गए सांसदों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई सीख दी। ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे बस साहब, मेरा अच्छा संबंध है मंत्री में, आपका नंबर कर सकता हूं आया। हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहता हूं और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है वे। आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है, अदरवाइज कोई भी क्या भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बद इरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।